गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू TKS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर मैथ टीचर मिस सामना, क्लास 5th। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर, आई वांट टू शेयर अ गुड मैसेज विद यू। विनिंग डज नॉट ऑलवेज मींस फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर, कल का लेक्चर मैं अगेन आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मुझे अगेन हमें वो चैप्टर जो है एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे मैं अगेन जो है आपको जो है चैप्टर नंबर 1 जो है रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, नाउ ओपन योर बुक्स। तो ये आपकी मैथ्स की बुक है। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, और ये हमारे पास जो है पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहले जो है इंटरनेशनल पीस वैल्यू के बारे में बात की गई है। तो मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास इंटरनेशनल पीस वैल्यू है क्या। What is international peace value system? ठीक है, international peace value of numeration starting from right, the first period is unit ones consisting of 3 place values, ones, tens and hundreds. The next period is 1000, 100. The next period is 1000 consisting of 3 place value, 1000, 10,000 and 100,000, and then millions, and after that billions. ठीक है, अब यहाँ पे अब हमारे पास जो है यहाँ पे आपको बताया गया इंटरनेशनल पीस वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। राइट हैंड साइड से जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फर्स्ट पीरियड जो होता है वो कहते हैं वो यूनिट का होता है। उसके अंदर प्लेस वैल्यू यूनिट 10, 100 की होती है। फिर हमारे पास जो है सेकेंड जो है वो 1000 का पीरियड होता है। उसके अंदर प्लेस वैल्यू 1000, 10,000, 100,000 की होती है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है मिलियन का पीरियड होता है, उसमें मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और लास्ट में बिलियन। अब हमारे पास जो है रीडिंग मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। नंबर अप टू 1 billion इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट, 9-digit नंबर ऑक्यूपाई द प्लेस वैल्यू अप टू 100 billion। कहते हैं हमारे पास अगर हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में 9 digit जो है वो कवर कर लेते हैं, तो लास्ट वन हमारे पास क्या आ रहा है, 100 million आ रहा है। ठीक है, वी नाउ दैट द स्मॉलेस्ट 9-digit नंबर इज 100000000। ये आपके पास क्या है, यानी 9 digit में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो ये है, द बिगेस्ट 9-digit नंबर। अब 9-digit में मेरे पास क्या था, सबसे लार्जेस्ट जो है वो 999999। ठीक है, 999 ये हमारे पास ये सबसे स्मॉलेस्ट था और ये सबसे लार्जेस्ट है। कितने डिजिट में, 9-digit नंबर में। अब देखें, इफ़ वी ऐड 1 टू द बिगेस्ट 9-digit नंबर, अगर हम इस 9-digit नंबर के साथ एक 1 ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर जो है वो बिलियन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हमारे पास 9-digit का नंबर है, ठीक है, और उसको मैं इसके साथ एक 1 ऐड कर देती हूँ, 1 ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर 10 है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है 10 यहाँ, यानी मेरे पास आंसर जो है वो 0000000 एंड में 1। ये मेरे पास आंसर क्या आया, ये 10-digit का आंसर आया और ये कहाँ पहुँच गया है, बिलियन में जो है आंसर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यही बात की गई है आपको कि 9-digit हमारे पास जो है वो कितने हैं आ रहे थे। ठीक है, जब हम लोगों ने ऐड किया इस लार्जेस्ट नंबर के साथ एक 1 ऐड किया, तो मेरे पास आंसर जो आया वो क्या था, दिस 10-digit नंबर इज कॉल्ड 1 billion। ठीक है, इस 10-digit नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 billion बोलते हैं। दिस नंबर इज प्लेस इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एज गिवन बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे वही चार्ट जो है आपको एक्सप्लेन किया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट गिवन है जिसमें आपको मेंशन है कि कहते हैं कि हमारे पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू जब हम लोग पहले लिखते थे, हम लोग क्या करते थे, यानी हमारे पास एक नंबर होता था, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर, फिर यहाँ पे कॉमा, स्पेस की जगह कॉमा होता था। ठीक है, फिर कॉमा के बाद फिर नंबर यहाँ, लेकिन अब इसको जो है वो रिप्लेस करके क्या कि 999, इस कॉमा की जगह स्पेस छोड़ दिया जाता है, 999 एंड 999। ठीक है, ये तीनों जो है अब लिखने का तरीका जो है वो अर्लियर जो है वो ये है, ये जो है अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास जो है बी स्टैंड फॉर बिलियन। अब यहाँ पे एंड में जो बी आ रहा है ये किस लिए है, बिलियन के लिए बी यूज़ होता है। स्पेस या 10-digit नंबर
बिलियन आर प्लेस एज 1000000 एंड 0, ठीक है। ये मेरे पास जो है एक नंबर है यहाँ पे। अब देखें डिफरेंट फोर एग्जांपल आपको पास गिवन है, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल क्या है, प्लेस स्पेसेस इन द 10 डिजिट नंबर 4526918290 इन द इंटरनेशनल सिस्टम, द गिवन नंबर इन द इंटरनेशनल सिस्टम विल बी राइट। अब ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आपके एक फिगर गिवन है, उसको इंटरनेशनल पीस वैल्यू में जो है वो लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो आप में से कौन जो है वो मुझे बताएगा इसका आंसर, इसको लिखने का तरीका बताएं। हमना अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अब बेटा मुझे बताएं कि आपने जो है यहाँ पे एक फिगर है, आपको उसने आपको लिखना है, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में। तो उसका लिखने का तरीका बता दें कि कहाँ स्टार्ट करना है। मैम राइट साइड से करना है जी। मैम 3 डिजिट के बाद स्पेस आएगा जी, फिर 3 डिजिट के बाद स्पेस आएगा जी, और फिर 3 डिजिट के बाद जी। गुड, वेल डन, ठीक है। तो अब मेरे पास जो आंसर था वो एक फिगर गिवन था, उसमें हम लोगों ने क्या 3 डिजिट लिखने, वहाँ स्पेस छोड़ना है, फिर 3 डिजिट राइट करना है, फिर स्पेस, फिर 3 डिजिट, फिर स्पेस, और लास्ट में जो है आंसर जो फिगर रह जाएगा वो लिखना है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड। अब आपको यहाँ पे एक फिगर गिवन है, लेकिन आपने क्या करना है उसको वर्ड में लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, अब फिगर गिवन है आपके पास, बुक से देख लेते हैं, 6 8 9 8 5 2 6 1 8 0 7, ये एग्जांपल आपके पास गिवन है, ठीक है। आपको कहा गया हुआ है कि इसको वर्ड में लिखना है। अब वर्ड में लिखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं आपको जो है इसके ऊपर जो है फैमिली जो इसकी है मैं वो लिख लेती हूँ। फैमिली जो है ये पीरियड लिखने के बाद मेरे पास जो है वो इजिली मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। यूनिट 1000 मिलियन और आखिर में बिलियन, ठीक है। अब जो है मुझे पीरियड जो है उसका पता चल गया है, तो मैंने अब नंबर इन वर्ड जो मैं लिखूंगी, सबसे पहले जो है फिगर जो होगा मैंने उसको लिख लेना है, फिगर लिखने के बाद जो है मैंने आंसर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, सबसे पहले जो है वो इसका आंसर क्या रहा था, 6 बिलियन, तो यानी ये 6 था तो मैं 6 लिख दिया, और फिर आगे जो है वो बिलियन, क्योंकि ये बिलियन के पीरियड से जो है वो बिलोंग कर रहा था, ठीक है। फिर जो है कॉमा आपने डाल लेना है, फिर जो है आगे क्या आ रहा है, नंबर मेरे पास जो है आ रहा है 985, ठीक है, 985। अब ये कौन से, देखिए मैंने फिगर का नंबर सिर्फ फिगर को मैंने वर्ड में लिख दिया 985, यानी ये फिगर मैंने वर्ड में लिख लिया। अब इसके एंड में मैं क्या लिखूंगी, इसका पीरियड कौन सा था, मिलियंस, ठीक है, तो मैंने इसके एंड में क्या लिखना है, मिलियंस लिख लेना है, ओके। फिर हमारे पास जो है अब यहाँ पे हो गया, अब इस पीरियड की बारी है, ये यहाँ पे कौन सा फिगर गिवन है, 261, इस 261 को हम लोग क्या करेंगे वो वर्ड में लिखेंगे, तो मेरे पास आंसर क्या है, 261, 261, ओके, ठीक है। ये मेरे पास जो है, अब मैंने ये वाला फिगर जो है वो वर्ड में मैंने लिख दिया। अब मुझे बताएं इसका जो फैमिली है वो कौन सी आ रही है, 1000 आ रही, तो आगे मैंने क्या लिखना है, 1000, ठीक है। सिंपल, इसको वर्ड में लिखना बहुत ही आसान है, अगर हमें पीरियड ऊपर पता चल जाएंगे तो सिर्फ उस फिगर के नंबर को लिखना है वर्ड में, या फिर उसके आगे वही फैमिली लिख लेनी है, ठीक है। तो मेरे पास जो है ये 1000 आ गए। अब एंड में मेरे पास क्या रहेगा, 807, तो मेरे इसको वर्ड में जब मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 807, 807,
एंड 7। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नंबर गिवन है 3 7 3 5 2 0 5। ठीक है, ये एग्जांपल गिवन है आपके पास। इसको मैंने क्या करना है, वर्ड में लिखना है, वर्ड में मैंने लिखना है। ठीक है, तो वर्ड में लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो है फैमिलीज की लिख लेती हूँ कि मेरे पास किस वैली में फैमिली में आ रहा था। तो सबसे पहले यूनिट आ रहा है, यूनिट ये 1000 और ये हो गया मिलियन, मतलब मेरा जो फिगर है वो मिलियन की फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट वन का आंसर क्या होगा, 3 मिलियन। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, 3 मिलियन। ठीक है, मैंने फिगर को वर्ड में लिख लिया, आगे मैंने जो है उसकी फैमिली लिख दी कि कौन सी फैमिली है, मिलियन, फिर कॉमा। अब ये फिगर क्या लिखा, 3735, ये फिगर है, इसको मैंने वर्ड में लिखना है। तो वर्ड में मैं कैसे लिखूंगी, 735,000, 700। ठीक है, 735, अब ये कौन सी फैमिली है, 1000 की फैमिली है। ठीक है, तो आगे मैंने उसका लिख दिया है कि ये 1000 की फैमिली है। अब एंड में जो है मेरे पास क्या रहेगा, 205, तो 205 को मैं कैसे लिखूंगी, 205। ठीक है, तो अब मेरे पास इस एक फिगर था, उसकी मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि इसका आंसर इस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको जो है क्या कहा गया हुआ, राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर 8,333,446,278। यहाँ पे आपको जो है, हम लोगों ने पहले क्या किया, वर्ड फिगर गिवन था, वर्ड फाइंड आउट किया, अब वर्ड गिवन होगा, फिगर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है, ठीक है, उसको मैंने जो है आंसर फाइंड आउट किया। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आंसर आया कि 8,333,446,278। तो इस नंबर इनवर्स से मैंने ये फिगर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ठीक है, अब हम जो है एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ठीक है, ओके, कोई भी नंबर जो है हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 200,285,000। ठीक है, फिर एंड में एक फिगर कोई भी लिख लेते हैं, 364। ये मैंने जो है वर्ड में एक फिगर लिख लिया है। ठीक है, इसका आंसर जो है मैंने फाइंड आउट करना है। तो 200 बिलियन, तो सबसे पहले जो है 200 मिलियन, यानी मेरे पास जो है वो यहाँ से फिगर स्टार्ट होगा, 200 मिलियन। अब 285,000, तो यहाँ पे 285 मैं लिख दूंगी। फिर उसके बाद जो है लास्ट में क्या आएगा, 364, तो 364।
ठीक है। तो ये मेरे पास एक वर्ड से मैंने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट जो है लास्ट एग्जांपल है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। यहाँ पे रिंग डिजिट आपको एक फिगर गिवन है और नाइन के ऊपर जो है नाइन को सर्कल किया गया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है और इस फिगर में आपको नाइन सर्कल किया हुआ है। इस सर्कल की प्लेस वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है। अब यहाँ ओपन पेज नंबर 5, राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 3, ओके। अरेंज द नंबर इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ पे एक प्लेस वैल्यू, वो सारा फिगर मैंने इस प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर दिया और नाइन जो है वो सर्कल है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ रही है, वी सी दैट द रिंग डिजिट नाइन ऑक्यूपाइज प्लेस इन द 100 million कॉलम, देयर फॉर इट प्लेस वैल्यू इज 900 billion आर 90000, ठीक है। उसकी जो फिगर मेरे पास गिवन था वो क्या था, 5 9 8 2 4 8 6 8 7 3, और यहाँ इसको रिंग किया गया हुआ था, ठीक है। तो उसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा था, ये बिलियन की फैमिली से बिलोंग करते, तो इसको मैंने क्या लिखना था, 900, या तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती थी कि 900 billion, या फिर कैसे लिख सकती थी 90 लिखकर 9 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो या इस तरीके से, या इस तरीके से मैंने लिखना था, ठीक है। अब जो है हमारे यूनिट नंबर 1 का जो है लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको फिर एक्सरसाइज जो है आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, और आज के टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो भी, ठीक है। आपको 5 मिनट है आपके पास। ओके स्टूडेंट, आपको जो टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे अगेन आपको रिवाइज कर दिया है, ठीक है। एक मतलब अगेन जो है मैं आपको थोड़ा सा एक्सेस काम लिखने के हवाले से बता देती हूँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 pages आपने लीव करने हैं। 2 pages लीव करने के बाद जो है आपने जो है 3rd page जो है हैंडराइटिंग पैटर्न करनी है। हैंडराइटिंग पैटर्न में आपने काउंटिंग लिखी है 1 से लेकर 9 तक। फिर हमारे पास नेक्स्ट पेज पर आपने चैप्टर की हेडिंग देनी है। चैप्टर हेडिंग की जो लेसन समरी लिखनी है। लेसन समरी लिखने के बाद जो है आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव जो है, ये ऑब्जेक्टिव अपने बुक में ही करने, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपने बुक में सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग काम जो करवाऊंगी मैं आपकी, वो अपने नीट कॉपी में करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोग जो है ना वो नीट कॉपी में काम करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है अच्छे से समझ आएगी, अपने लेक्चर को रिवाइज करें, ठीक है। इंशाल्लाह कल मैं आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, और आपको डिफरेंट टास्क दूंगी, ठीक है। आपको मैं एक छोटे एग्जांपल दूंगी, आपने उस टाइम जो है वो फाइंड आउट करके मुझे बताना है, ठीक है। आपने काम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। आपने न्यू कॉपी ले लेनी है, न्यू कॉपी में काम करना है, ठीक है। क्योंकि आपके जो है इसी से रिलेटेड फिर आपके एग्ज़ाम भी होंगे, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।